नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi 10 वर्सेस Tecno Spark 8P का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Redmi 10 में 6.67 इंच जबकि Spark 8P में 6.48 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Redmi 10 से कम है। विड्थ की बात करें तो Redmi 10 में 3.01 इंच जबकि Spark 8P में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Redmi 10 से कम है। बात करें थिकनेस की तो Redmi 10 में 0.36 इंच जबकि Spark 8P में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Redmi 10 में 203 ग्राम जबकि Spark 8P में 199 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Redmi 10 में 20:6:9 जबकि Spark 8P में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Redmi 10 में 6.7 इंचेस जबकि Spark 8P में 6.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Redmi 10 में 720x1650 और Spark 8P में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Redmi 10 में 82.33% जबकि Spark 8P में 84.12% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Redmi 10 में 269 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Spark 8P में 400 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Redmi 10 में दो कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Spark 8P की बात करें तो इसमें तीन कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Redmi 10 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Spark 8P की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Redmi 10 में Adreno 610 जबकि Spark 8P में Mali-G 52MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Redmi 10 में Qualcomm Snapdragon 680 और Spark 8P में MediaTek Helio G85 मिलता है। बात करें RAM की तो Redmi 10 में दो वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है जबकि Spark 8P में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Redmi 10 में दो वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Spark 8P में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Redmi 10 में अप टू 1TB जबकि Spark 8P में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Redmi 10 में 6000mAh जबकि Spark 8P में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Redmi 10 में 3 कलर्स जबकि Spark 8P में 4 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Redmi 10 में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 10,999 रुपीस
6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें स्पार्क 8P की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 10,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Xiaomi Redmi 10 में 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें टेक्नो स्पार्क 8P की तो उसमें 7 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Redmi 10 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो A54 है, दूसरा सैमसंग गैलेक्सी M52 5G है, तीसरा ओप्पो A16 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 10 A है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।